गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 250 लोगों की फरियाद, कहा हर समस्या का समाधान करेगी सरकार। अधिकारियों को त्वरित व संतुष्टि परक फरियादियों की फरियाद को निस्तारण करने को किया निर्देशित। गोरखपुर पहुंचने पर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह का लोगों ने माल्यार्पण कर किया भव्य स्वागत। कहा प्रदेश में कहीं नहीं चल रही है टग्गा मार बस, पकड़े जाने पर सीजर की जा रही है कार्यवाही। दो शातिर वाहन चोरों अविनाश चौहान तथा अनिल चौहान को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 4 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। शातिर वाहन चोर आकाश निषाद, सुरेश यादव व शैलेंद्र यादव को जगह थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 6 मोटरसाइकिल किया बरामद। एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने किया खुलासा। गोरखपुर सहित प्रदेश के 23 बस स्टैंड को प्रदेश सरकार एयरपोर्ट की तर्ज पर करने जा रही है विकसित। बस स्टैंड पर शॉपिंग मॉल, होटल, खाने पीने की रहेगी सभी व्यवस्था। प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने दी जानकारी। वाणिज्य कर विभाग द्वारा छापेमारी को लेकर महानगर के बाजारों में अफरा तफरी के माहौल के बीच व्यापारियों के एक गुट ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सीएम योगी ने किया आश्वस्त, निश्चिंत होकर दुकान खोलकर करें व्यापार, किसी भी व्यापारी के साथ नहीं होगा कोई भी अन्याय। और 5 दिवसीय 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय क्रीडा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने किया शुभारंभ। कहा खेल हमारे राष्ट्रीय एकता का है प्रतीक। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत ही है जरूरी, इससे होता है मानसिक एवं शारीरिक विकास। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार जनता की हर समस्या का समाधान कराने को तत्पर है। किसी के साथ अन्याय या अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। जमीन कब्जा करने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। प्रशासन का यह फार्मूला रहे कि मनमानी किसी की नहीं चलेगी और न्याय सबको मिलेगा। गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर रविवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनी। कुर्सियों पर बैठे फरियादियों तक खुद गए, उनकी समस्याओं व शिकायतों को सुना और समझा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टि परक निस्तारण का निर्देश देने के साथ फरियादियों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान एक महिला फरियादी ने अपनी बोई फसल काट पाने में आ रही बाधा से सीएम योगी को अवगत कराया। इस पर मुख्यमंत्री ने महिला को आश्वस्त किया कि परेशान होने की तनिक भी जरूरत नहीं है, फसल जिसने बोई है वही काटेगा। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया। जनता दर्शन में पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने एसएसपी तथा राजस्व व अन्य मामलों से जुड़े प्रार्थना पत्रों को डीएम को हस्तगत कर जरूरी निर्देश दिए। जनता दर्शन में अन्य जिलों से भी फरियादी पहुंचे थे, उनकी समस्याएं सुनकर मुख्यमंत्री ने प्रार्थना पत्र कमिश्नर को संदर्भित किया। जनता दर्शन में महिला फरियादियों की संख्या अधिक रही, कई महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी आए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को खूब दुलारा और आशीर्वाद देते हुए चॉकलेट गिफ्ट किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से स्कूल जाने के बारे में भी पूछा और खूब पढ़ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जनता दर्शन में कमिश्नर रवि कुमार एन जी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर आदि भी मौजूद रहे। कहाँ से आए हैं, क्या हो गया है? मेरे दोस्त
इसको देखेंगे संत का भी मंदिर लो रे आप इसको देखेंगे गोरखनाथ थाना बस हो गया कहाँ का मामला है पुलिस जब आदेश किया किसने बोया उसी को कटवा दो ना वो बता दिया ना क्या है बताए कहाँ पे तो उसकी आवश्यकता नहीं मिर्जापुर पंचेड़वा कहाँ का मामला है चिलवा ताल थाना क्या है बताए के लिए सड़क दुर्घटना कहीं चल रहा है ये लाभत कोर्ट तो कोर्ट से वहां पैरवी करनी पड़ेगी। प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह का गोरखपुर पहुंचने पर लोगों ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में एक भी डग्गा मार बस नहीं है, सभी बसों का रजिस्ट्रेशन है। प्रदेश में फिटनेस होने के बाद ही कोई बस चलती है। यदि कोई प्राइवेट बस सवारी भरता है तो वह बीच में कहीं भी सवारी नहीं भर सकता है। यदि वह बीच में सवारी भरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सभी चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया है। सरकार 13 दिसंबर को बैठक करने जा रही है, जिसके बाद प्राइवेट बसों को अनुबंधित करके परमिट दे दिया जाएगा। यदि उसके बाद भी कोई सरकारी बस स्टैंड से सवारी भरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बसों को सीज किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा रास्ते से आगे विधायक जी तो 2 बजे विधायक जी 9 बजे पहुंच गए। अब 3 बजे भोर में तो आया हूँ पकड़ो भैया भविष्य के डाक्टर फोटो अंदर ले लो भैया। ये देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि हमारे जो है बसें सब सही हो गई हैं, लेकिन कायाकल्प योजना के माध्यम से बहुत सारे बसों को मैंने ठीक किया, लेकिन कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों में कोई बस की नई खरीद नहीं हुई थी, जिसके कारण जो है पुरानी बसों को चलाना मेरी मजबूरी थी कि लोगों के आवागमन बाधित न हो, इसलिए हमने पुरानी बसों को भी जो हमारे बेड़े में नहीं रहना चाहिए, जो अपनी अवधि को पूरी कर चुकी हैं, जो इनका 10 साल हो गया है या 11 लाख किलोमीटर रोज चल चुकी हैं, वो हमारे बेड़े में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो इसलिए मैं पुरानी बसों को भी सेवाएँ लेते रहे हैं। लेकिन अभी माननीय जोगी जी ने हम लोगों को बस खरीदने के लिए पैसे दिए, जिससे मैंने 1150 बसें पहले ही खरीद चुका हूं, जिसकी हमारी अभी उसका हमारा बॉडी बन रहा है। और अभी जो अनुपूरक बजट में पहली बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 1000 बसों को मैंने खरीदने के लिए हमको जो है उन्होंने धन आवंटित किया, ये परिवहन निगम के में इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अनुपूरक बजट में और किसी भी बजट में आज तक 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है परिवहन निगम के प्रति कि उन्होंने 1000 बसों खरीदने के लिए उन्होंने हमको धन आवंटित किया है, और मुझे आश्वासन दिया है कि चरणबद्ध तरीके से आप बस खरीदते जाइए, तो हम बस खरीदते जाएंगे और जो है उस बेड़े में शामिल होंगी और पुरानी बसों को हम निकालते जाएंगे आने वाले दिनों में आपको, क्योंकि देखिए हमारे जो रोडवेज की हमारी वर्कशॉप है जिसमें 1 महीने में मैं 50 बसें केवल हमारा निर्माण हो सकता है। अभी मैं 731 बसों को अभी 4 दिन पहले ही मैं टेंडर किया हूँ और 731 बसें प्राइवेट से भी जो है उसको बॉडी बनाने जा रहा हूँ, तो जल्द बन करके 2-3 महीने के अंदर हमारी 1000 से ऊपर की बसें बन के आ जाएंगी, तो आपको जो है पुरानी बसें दिखेंगी नहीं। आप आज हमारे मोदी जी का जो आह्वान है कि कैशलेस सिस्टम हो, सब चीज़ें ऑनलाइन किया जाए,
तो हमारे परिवहन विभाग में बहुत हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया है। अभी हमने डीएल को ऑनलाइन कर दिया है। आज घर बैठे आप डीएल बना सकते हैं, मेरे दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आप जो है परमिट ले सकते हैं, हमारे दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो टैक्सेज हैं वो आप घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको भी ये डिटेल किया कि बहुत सारे लोगों को सुविधा रहेगी कि वो जो है उनके पास कैश नहीं रहे और उसके बावजूद भी उनको टिकट मिलेगा, उस पर हम छूट भी दे रहे हैं कि जो इसका प्रयोग करेगा तो उसको वर्तमान टिकट से उनको कुछ कम पैसे पर उनको टिकट प्राप्त होगा। तो क्योंकि हम टिकटिंग भी 100% हमारी टिकटिंग अब जो है ऑनलाइन हो गई है। अब हमारा कोई भी मैनुअल टिकट हमारे बस डिपो पे या चाहे बस के अंदर अब नहीं बनता है। सभी जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का जो है सप्लाई हो चुका है। तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। माननीय मोदी जी और योगी जी की इच्छा के अनुरूप हम परिवहन निगम के लोग काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे एक कह दूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी डगामार बस नहीं है और डगामार शब्द बंद होना चाहिए। क्योंकि जो बसें आप कहीं एक भी बस हमको दिखा दीजिए जिसका परमिट ना हो, एक भी बस हमको दिखा दीजिए जिसकी जो है टैक्स जमा ना हो या उसके जो इंश्योरेंस ना हो, उसका रजिस्ट्रेशन फेल हो, ये सभी चीज़ वो देखिए वो फिटनेस होने के बाद ही कोई बस चलती है। इसलिए डगामार शब्द का अप्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ एज ए परिवहन मंत्री कि डगामार शब्द अब नहीं है। अब सभी चीज़ों से जो जो फिटनेस लेने के बाद ही सड़क पर जो है बस चलती है। बस केवल डगामार का अब क्या मतलब है, जो वो हमारा एक नियम है कि आप ए से जेड तक जो है आप बस ले जा सकते हैं। कोई इस पैसेंजर को भी आप उठा सकते हैं। आप गोरखपुर से पैसेंजर यदि आपने पूरे बस में भर लिया लखनऊ के लिए तो लखनऊ तक ही आप उसको ले जाएंगे। बीच में कोई आप पैसेंजर नहीं उठाएंगे ना उतारेंगे, तो वो बीच में जब वो पैसेंजर लेते हैं वो उनकी एक तरह से हमारे जो नियम का उल्लंघन करते हैं। तो ये केवल उन पर यही लागू होता है। इसलिए डगामार शब्द जो है अब नहीं है क्योंकि सब ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं। बिना फिटनेस के कोई भी बस नहीं चल सकता। बस ही नहीं ना, आप चाहे स्कूल बस हो, आपका प्राइवेट बस हो, चाहे आपकी खुद की गाड़ी हो, बिना फिटनेस की अब सड़क पर नहीं चल सकती है। तो इसलिए डगामारी की कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो हमारे नियमों का उल्लंघन करता है भाई, हर व्यक्ति सामान्य व्यक्ति भी उल्लंघन करता है। हम सब भी कभी बेल्ट नहीं बांधते हैं, कभी हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो ये है। तो जो हमारे नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर जो हमारी एक संबंधित हमारी जो नियम है उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। और उसके लिए जो विकल्प भी अभी तक क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी को जाना है, हम उसको विकल्प नहीं दे रहे हैं, हमारी रोडवेज की बसें नहीं हैं, तो वहाँ पर जो बसें उनको उपलब्ध होती है, पैसेंजर को तो भाई सुविधा चाहिए तो उसका उपयोग करता है। तो मैं अभी जो हमारे प्रोहिबिटेड रूट थे, जो जहाँ पर केवल परिवहन निगम की ही बसें चलती थी, उसको भी मैंने जनता के लिए लागू कर दिया है। उसको 13 तारीख को हमारी एसटीए की बैठक है, उसमें हम परमिट जारी करने जा रहे हैं। तो जब उनको परमिट मिल जाएगा, जो हमारे लोग परमिट लेकर के उसको चलाएंगे, उनको भी मैंने कहा है जो इस तरह के काम करते हैं, जो हमारे पैसेंजर को उठाते हैं, तो मैंने उनसे भी कहा है कि आप आइए हमसे अनुबंधित होइए, आप हमसे परमिट लीजिए, आप अवैध तरीके से इस तरह का कार्रवाई न करिए। और यदि उसके बावजूद भी करते हैं तो आप देखते होंगे कि प्रतिदिन चेकिंग होती है और मैं उनको उन पर चार्ज करता हूँ। एक थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो व्यवहारिक दिक्कत यह है कि जब मैं उनकी बसों को सीज करता हूँ तो जो पैसेंजर होते हैं तो उनको कठिनाई होती है। 3-3 घंटे लग जाते हैं, उनको हम अपनी दूसरी बस भेजते हैं, फिर उनको गंतव्य तक पहुंचाते हैं। तो हमारे पास व्यवस्था उतनी नहीं है। तो मैं यदि इसका विकल्प जिस दिन तैयार कर लूंगा, उस दिन एक भी जो इस तरह की बसें जिसको आप कह रहे हैं वो सड़क पर नहीं चलेंगी। नहीं देखिए, बहुत सारे शिकायतें आती थीं, जो टैक्सेज की चोरी होती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो इसमें टैक्स की चोरी कर रही थी, इसकी शिकायतें आए दिन जो है विभागों को प्राप्त हो रही थी। लेकिन व्यापारियों को कहीं कठिनाई है, कई जगह हम लोगों से भी मिले हैं लोग व्यापारी, तो हम लोग इस बात को ऊपर में बात करेंगे और व्यापारियों की कोई भी कठिनाई होगी उसको दूर किया जाएगा। कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि बजट नहीं है। बजट का रिफ्लेक्टर बहुत ही आवश्यक है
और ये लोगों की जान से ज़िंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसके लिए कोई बजट की कमी नहीं है। जो भी व्यक्ति कहा हो वो हमारे यहाँ भेजे, और यदि उसको बजट न मिले तो फिर बताए, इसके लिए कोई बजट की कमी नहीं है। और इसके लिए गाइडलाइन बनाई गई है, उस गाइडलाइन के तहत सबको जो है रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य है, चाहे वो हमारी सरकारी गाड़ियाँ हों या हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ हों, सबको, क्योंकि ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ करेगा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजघाट थाने की पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो शातिर वाहन चोरों को हरबट बंधा सब्जी मंडी से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अविनाश चौहान पुत्र सुग्रीव चौहान निवासी हर सेवकपुर नंबर 1 थाना चिलुआताल गोरखपुर, दूसरा अनिल चौहान पुत्र रुदल चौहान निवासी राप्ती नगर हर सेवकपुर नंबर 1 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल देवेंद्र यादव, पवन यादव, अंजनी राय, महिला कांस्टेबल अनु सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कल थाना राजघाट की टीपी नगर चौकी क्षेत्र में प्रतिदिन की तरह शाम के समय चेकिंग की जाती रही है। उसी दौरान उसी चेकिंग में एक बाइक सवार है जिनको बैरियर पर रोका गया, तो रोकने के बाद में यूटर्न लेके वहाँ से भाग गया, और उस पर शक होने पर पुलिस ने उसको कैमरे से ट्रेस आउट करते हुए उनके वीडियो फुटेज निकाला और उनके चेहरे के आधार पर पता रसी सुराग रसी की, तो पता उन दो चोरों का पता चला जिनका नाम अविनाश चौहान और अनिल चौहान है, जो चिलुआताल के रहने वाले हैं, और उसी पता रसी सुराग रसी के आधार पर फिर उनको हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर बाद में पता चला कि वो एक पेशेवर चोर हैं और उनके पास से कुल 4 बाइक बरामद हुई है जो उन्होंने अभी तक बेची है, और भी पूछताछ चल रही है जिसमें और भी अन्य भी बाइक होने की संभावना है। तो ये थाना राजघाट की एक अच्छी सफलता मिली। इन लोगों का बैकग्राउंड नशे के आदी हैं ये लोग, और एक के ऊपर पूर्व में अनिल चौहान के ऊपर 5 मुकदमे हैं और अविनाश चौहान के ऊपर 7 मुकदमे हैं, जो कि सारे के सारे चोरी के ही मुकदमे हैं। बाइक को ये बेचने आ रहे थे उस दिन शहर में किसी व्यक्ति के पास, अभी तक उसका पता नहीं चला है। पूछताछ में उम्मीद है कि इस तरह की सारी बाकी टिकट में जा रहे हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत शहर में करीबन 200 से ज़्यादा कैमरे शहर क्षेत्र में लग चुके हैं, और भी 279 कैमराज की लिस्ट एडीजी महोदय को भेजी जा चुकी है, जो कि विभिन्न फंड और उनके माध्यम से लगने हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है कि उसकी वजह से ना कि सिर्फ क्राइम कम हुआ है, गिरावट हुई है, बल्कि जो क्राइम होता है उसके वर्कआउट होने का प्रतिशत भी बढ़ा है। और ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंदर जितने भी कैमरे हैं वो आईपी बेस्ड कैमरे हैं, तो उनसे तुरंत बीपीओ अपने कैमरे के अंदर लॉगिन करके जो घटना हुई है उसको तुरंत का तुरंत वर्कआउट कर सकता है। तो उसके आधार पर अगर मान लो किसी प्रकार का कोई मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो या यहाँ पर कोई चोरी हुई हो, किसी भी चीज़ करो, उसको रियल टाइम में चेक किया जा सकता है, जो कि पुलिस के लिए बहुत बड़ा मददगार एक राय है। जगह थाने की पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुस फारिक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 मोटरसाइकिल चोरों को जगह थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है, जिनकी पहचान आकाश निषाद पुत्र लाल बहादुर निषाद निवासी ग्राम
बनियापार थाना इकोना जनपद देवरिया, दूसरा सुरेश यादव पुत्र बुद्धिराम यादव निवासी तरकुलही थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, तीसरा शैलेंद्र यादव उर्फ गोलू पुत्र मार्कंडेय यादव निवासी गहिरा पांडे टोला थाना जगह जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ चौरी चौरा ने बताया कि तीनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जगह थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक देवी शंकर पांडे, उप निरीक्षक शुभम श्रीवास्तव, कांस्टेबल विकास कुमार सिंह, महेंद्र तिवारी, सूरज यादव, अंजीश कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने कहा, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना जंगा की टीम ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। एक मुकदमा लिखा गया था चोरी का, बाइक चोरी का 300/22, उसके अंदर पता करने पे और तलाश करने पे वो बाइक बरामद हुई, बुलेट बाइक थी। उसके साथ ही साथ तीन अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए, उनके पास में उस एक बाइक के अलावा 5 बाइक और मिली। तो प्रथम दृष्टया ये एक गैंग लग रहा है जो कि इस प्रकार बाइक की चोरी करके, उनके नंबर प्लेट बदल के, उनके जो पार्ट्स है वो बदल के और फिर उनको बेचते हैं। इसके अंदर और भी अभी पता किया जा रहा है, इसके अंदर कुछ अभियुक्त उनका पता लगा है जो कि फरार है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 250 लोगों की फरियाद, कहा हर समस्या का समाधान करेगी सरकार। अधिकारियों को त्वरित व संतुष्टि परक फरियादियों की फरियाद को निस्तारण करने को किया निर्देशित। गोरखपुर पहुंचने पर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह का लोगों ने माल्यार्पण कर किया भव्य स्वागत। कहा प्रदेश में कहीं नहीं चल रही है टग्गा मार बस, पकड़े जाने पर सीजर की जा रही है कार्यवाही। दो शातिर वाहन चोरों अविनाश चौहान तथा अनिल चौहान को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 4 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। शातिर वाहन चोर आकाश निसार, सुरेश यादव व शैलेंद्र यादव को जगह थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 6 मोटरसाइकिल किया बरामद। एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने किया खुलासा। गोरखपुर सहित प्रदेश के 23 बस स्टैंड को प्रदेश सरकार एयरपोर्ट की तर्ज पर करने जा रही है विकसित। बस स्टैंड पर शॉपिंग मॉल, होटल, खाने पीने की रहेगी सभी व्यवस्था। प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह ने दी जानकारी। वाणिज्य कर विभाग द्वारा छापेमारी को लेकर महानगर के बाजारों में अफरा तफरी के माहौल के बीच व्यापारियों के एक गुट ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सीएम योगी ने किया आश्वस्त, निश्चिंत होकर दुकान खोलकर करे व्यापार, किसी भी व्यापारी के साथ नहीं होगा कोई भी अन्याय। और 5 दिवसीय 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय क्रीडा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने किया शुभारंभ। कहा खेल हमारे राष्ट्रीय एकता का है प्रतीक। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत ही है जरूरी, इससे होता है मानसिक एवं शारीरिक विकास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के गोरखपुर सहित 23 बस स्टैंड को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसके संबंध में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बस स्टैंड को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने जा रहे हैं, जिसमें गोरखपुर सहित कुल 23 बस स्टैंड को शामिल किया गया है। अब गोरखपुर बस स्टैंड को एयरपोर्ट की तर्ज पर सरकार विकसित करने जा रही है। 2 वर्षों के अंदर प्रदेश के 23 बस डिपो एयरपोर्ट की तरह दिखेंगे, जहां पर लोगों को खरीदारी करने के लिए मॉल होगा, ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था होगी। इसके अलावा महिलाओं को बैठने की अलग से व्यवस्था होगी। बस स्टैंड पर खाने पीने की सभी व्यवस्था होगी। लोगों को कहीं जाना हो सभी बसें एक ही जगह से मिल जाएगी।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश के हम लोग बस अड्डों को हवाई अड्डा की तरह बनाने जा रहे हैं और 23 बस अड्डों का जो है निविदाएं आ चुकी हैं, उसमें गोरखपुर के भी बस अड्डा है। अब गोरखपुर के बस अड्डे को हम लोग हवाई अड्डा की तरह बनाने जा रहे हैं। इसका अब आपको आने वाले 2 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि हमारे सभी जो हमारे जो डिपो हैं वो हवाई अड्डा की तरह दिखेंगे, जहाँ पर लोगों को खरीदारी करने के लिए मॉल भी होगा, लोगों को ठहरने के लिए वहाँ पर होटल्स भी होंगे और महिलाओं को अलग से वहाँ पर बैठने के लिए, उनको आराम करने के लिए व्यवस्था होगी और खान पान से लेकर के हर जगह के लिए वहीं पर से कनेक्टिविटी रहेगी। हर चाहे आपको एयरपोर्ट जाना हो, आपको जो है रेलवे स्टेशन जाना हो या किसी भी आप जिले में जाना हो, राजधानी जाना हो, उस सब की जो है कनेक्टिविटी एक ही जगह पर आपको प्राप्त हो। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन की अध्यक्षता में वाणिज्य कर विभाग द्वारा छापेमारी को लेकर महानगर के बाजारों में अफरा तफरी के माहौल को देखते हुए व्यापारियों के एक गुट ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात को रखा। इसको देखते हुए अलीनगर स्थित एक भवन में सभी व्यापारिक संगठनों के साथ एक बैठक आयोजित किया गया, जिसके संबंध में व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि जीएसटी विभाग महानगर में तमाम छापे सर्वे किए जा रहे हैं, जिससे व्यापारी अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं। उसी के संबंध में यह बैठक आयोजित किया गया है। शनिवार को कुछ व्यापारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को बताया गया, जिससे मुख्यमंत्री ने सभी व्यापारियों से कहा कि किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। जो व्यापारी अपनी दुकान खोल रहे हैं वह निश्चिंत होकर अपने व्यापार को करें, कोई भी व्यापारी को कोई भी अधिकारी परेशान नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि जो व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उसके साथ किसी भी दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस अवसर पर दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, नितिन अग्रवाल, पंकज गोयल, मदन अग्रहरी सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे एवं उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, पूछो प्रश्न या तीसरी बात बाकी महत्वपूर्ण चीज आपके समूह में रखना चाहूंगा, आप इस बात को विचार करिएगा। 10 से 15 मिनट का तांडव भरा आपके साथ अभी कोई कार्य करते हैं ऐसा नहीं, अपने मन से अभी कार्य करते तो सरकार यही कही लेके जाओ। नहीं, ये ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। सरकार जो है किसी व्यापारी के साथ कोई अनैतिक व्यवहार हो, ठीक है बाबू जी, ये प्रश्न आप बार बार कर रहे हैं, मेरे को जो है ये बंद क्यों है बाबू जी, ये भी तो तय होना चाहिए। बंद करना ये बंद क्यों है आखिर में, मदन भैया क्यों बंद? नहीं अमित, नहीं ये बात नहीं है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ये हमारी गलती है, हम क्यों बनती हैं? हमको नहीं बंद करना चाहिए, हम क्यों बनती हैं? ठीक है, यहाँ सबकी बात सुनी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें नहीं बोलिए जिसको कि यहाँ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ का सर्वे हुआ है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी को प्रस्तावित किया गया है या उन लोगों क्या किसी के यहाँ छापा पड़ा है? ऐसे व्यापारी को यहाँ तो खड़े होकर तो मेरे को बता दो। लगातार दुकान देखिए, मैंने यही बात आते ही कहा है
कि आप अपनी दुकान को खोलना, निश्चिंत होकर खोलना है, किसी तरह का कोई आपके साथ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार होता है, गलत काम होता है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से मेरा नंबर नोट करें, आप फोन करें, आपके बाजार के मुखिया लोग हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तमाम आपका एसोसिएशन है, उनको पहले पकड़िए, गलत व्यवहार होता है आपके साथ, किसी तरह का अच्छा व्यवहार नहीं होता है, व्यापारी आधार को बदनाम कर, ये सब हम सबका कारण नहीं है, हम लोग अच्छे व्यापारियों में मिलती है। आज बैठक ये हुई है जो तीन चार दिन से लगातार सर्वे के नाम पे छापेमारी चल रही है, तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज शहर में हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसके यहाँ हो रहा है वो आदेश से केवल सर्वे हो रहा है, लेकिन अगर ये सेल टैक्स के अधिकारी जीएसटी के अधिकारी यदि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न करते हों या तानिशाही रवैया अपनाते हों तो इनकी शिकायत कीजिए और इनकी खबर ली जाएगी, कतई किसी व्यापारी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो केवल दिया गया है कि जो कुछ लोगों की कर चोरी का मामला है, कुछ रजिस्ट्रेशन का मामला है, अगर ये कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी किसी व्यापारी को कहीं से प्रताड़ित कर रहा है, ये कतई क्षम्य नहीं होगा, उस अधिकारी की खबर ली जाएगी और उस अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जाएगी, व्यापारी निश्चिंत रहें, और ये व्यापारियों की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी व्यापारी के साथ हैं। मेरा नाम योगेंद्रनाथ दुबे है और दवा विक्रेता समिति का अध्यक्ष हूँ, और आज इसीलिए सारे व्यापार मंडल की बैठक बुलाई गई है कि सब लोग ये जान जाएं और अपनी दुकानें खोलें, अगर कोई भी अधिकारी आता है तो उसका सामना करें, अगर किसी के यहाँ जांच और सर्वे के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है तो बताएं, और हम लोग उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित करेंगे कि ये अधिकारी गड़बड़ है, ये अधिकारी भ्रष्ट है और ये तानाशाही रवैया अपना रहा है, व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहा है, उस अधिकारी की खबर ली जाएगी, और उन्होंने साफ साफ चिताया है कि जीएसटी के अधिकारी चेत जाएं, किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आज व्यापारियों के साथ हमने बैठक किया है, ये जीएसटी विभाग द्वारा जो तमाम छापे सर्वे हो रहे हैं, लोग अपनी दुकानों को अनायास बंद कर रहे हैं, उसी के संबंध में आज मैं मुख्यमंत्री जी से तीन दिनों बाद मुलाकात किया सुबह, और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो है किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, जो व्यापारी अपनी दुकानें खोल रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने व्यापार को करें और दुकानें अपनी खोल करके काम करें, कोई भी व्यापारी को किसी तरह से कोई अधिकारी न तंग करेगा न परेशान करेगा, और अगर कोई आदमी चिन्हित है जिसकी अनियमितताएं हैं तो वो एक प्रक्रिया है, वो उनके यहाँ जाएगा और उनसे जो भी है सर्वे करेगा, कार्य करेगा, इसमें घबराने की लोगों को मार्केट की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में तमाम से बहुत से लोग हैं, 100 सौ 200 500 दुकानदार हैं, तो मार्केट जो है एक बड़ा व्यापार का स्थल होता है, तो उसमें एक अधिकारी अगर जाता है किसी एक दुकान पर जाएगा तो पूरा मार्केट बंद करने का क्या औचित्य है, डर नहीं होना चाहिए, वहाँ का अगर कोई स्थानीय व्यापारी हैं वो व्यापारी मंडल व्यापार मंडल अगर किसी के साथ अनैतिक बात हो रहा है तो निश्चित रूप से वो व्यापार मंडल को साथ में ले लें, और कोई भी साथ कोई भी अधिकारी उसके साथ अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और महाराज जी ने भी कहा कि सब लोग एक बहुत बड़ा सरकार की तरफ 10 लाख रुपए का अनुदान जो है, जो किसी का कैजुअल्टी रजिस्टर्ड व्यापारी जो व्यापारी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको 10 लाख रुपए का सरकारी अनुदान उसके किसी यहाँ कैजुअल्टी होने पर मृत्यु होने पर उसके परिवार को मिलता है, वो फ्री मिलता है, वो उसके ऊपर ये नहीं कोई प्रीमियम कोई नहीं जमा करता है, तो सरकार इतने व्यापारियों की सुरक्षा कर रहा है, पहले क्या समय था आज क्या समय है, हर आदमी स्वतंत्र होकर के व्यापार कर रहा है, और ये व्यापारी जीएसटी विभाग ये सरकारी एक प्रक्रिया है, सरकार को अगर कर नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे चलेगी, तो वो तो सरकार को कर देना व्यापारी देता ही है, लेकिन अगर कुछ लोग बहुत से लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं और तमाम कर की चोरी कर रहे हैं
तो उनके यहाँ अगर ऐसी बातें हो रही, सर्वे हो रही हैं, तो उसका साथ देना चाहिए सब लोगों को मिलकर, विरोध नहीं करना चाहिए। दुकानें खोलें अपना और निश्चिंत रूप से होकर के काम करें। कोई भी व्यापारी अगर उनके साथ अनैतिक कार्य होता है, कोई अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, अनैतिक बात करता है, तो निश्चित रूप से उसको मुख्यमंत्री तक मैं पहुंचाऊंगा और पूरा उसका सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय क्रीडा एथलेटिक्स प्रतियोगिता प्रदेश के 18 मंडलों एवं 2 स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों के बीच 5 दिवसीय होने वाले एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके तथा गुब्बारा उड़ाकर इस प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। गोरखपुर मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया तथा खेल पुस्तिका का विमोचन किया गया तथा इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत ही जरूरी है। इससे मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। इस समय के बच्चे रात दिन किताबी कीड़ा बनकर रहते हैं, जिससे वह स्वस्थ नहीं रहते, इसलिए उन्हें स्वस्थ रहने के लिए खेलों में भी अभिरुचि ज्यादा रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह खेल हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जिसमें प्रदेश के 18 मंडलों के खिलाड़ी भाग लिए हैं, जो प्रदेश का बड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छे प्रकार से समाज का काम कर पाएंगे और आने वाले हर चुनौती का सामना करेंगे। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी, सचिव जफर अहमद खान, किशोर जायसवाल, पीएन सिंह, अरुणेंद्र राय, विवेकानंद मिश्रा, ओम प्रकाश दुबे, डॉक्टर विनोद राय, अशोक सिंह, रविंद्र सिंह तथा सभी मंडलों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने कहा, मंच पर उपस्थित है कि दुर्गा माँ हर घर घर में भर दे, यह माँ सरस्वती प्रज्वलन से उनको उन पर माल्यार्पण करके हम प्रारंभ करें सरस्वती वंदना। संवेदनशीलता सबके प्रति स्नेह, वह मुख्य अतिथि महोदय को Thank you.
आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर महोदया माननीय मंत्री जी को ये बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध की उत्तम शरणम गच्छामि सम्मम शरणम गच्छामि बुद्ध की शरण में लाते होंगे मुख्य अतिथि को सलाम और ये सब एक अनुभव से मेरी बालिका विद्यालय कुल किसी की छात्राएं बालिकाएं राम देवी शासक भी
समावेश के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करती हूँ। ये पीठ पे ये खेल हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसमें हमारे 18 मंडल के बच्चे आए हुए हैं, लगभग 1500 बच्चे हैं और 200 अध्यापक हैं जो बच्चों के लिए खिला रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रदेश का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें जहाँ एक ओर बच्चे हमारे शिक्षित होते हैं, वहीं दूसरी ओर सबके साथ में मिलकर खेल में भी अपना प्रतिभा करते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क का विकास होता है और सामाजिक परिस्थितियों का भी उनको ज्ञान होता है, आर्थिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है और सामाजिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है। और एक दूसरे से, सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे से समन्वय की भावना उनके अंदर बनती है। वो घर के आंगन से निकलकर एक बाहर के जगत में प्रवेश करते हैं और उनके अंदर देखिए आप कितना उत्साह है, कितनी उमंग है। और आज हमारे शिक्षा विभाग ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है कि 5 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा। 5 दिन तक इनके रहने की व्यवस्था, इनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था, इनके खान पान की व्यवस्था, इनको स्वस्थ रखने की सारी व्यवस्था हमारा शिक्षा विभाग कर रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ ये कोई पढ़ाई आवश्यक है, वहाँ खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। जब स्वस्थ मस्तिष्क हमारा होगा तो स्वस्थ हमारा जब दिमाग होगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। बच्चे खेल कूद कर स्वस्थ रहेंगे और अच्छी प्रकार से समाज के कार्य करेंगे और आने वाली हर चुनौती का सामना करेंगे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 250 लोगों की फरियाद, कहा हर समस्या का समाधान करेगी सरकार। अधिकारियों को त्वरित व संतुष्टि परक फरियादियों की फरियाद को निस्तारण करने को किया निर्देशित। गोरखपुर पहुंचने पर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह का लोगों ने माल्यार्पण कर किया भव्य स्वागत। कहा प्रदेश में कहीं नहीं चल रही है डग्गा मार बस, पकड़े जाने पर सीजर की जा रही है कार्यवाही। दो शातिर वाहन चोरों अविनाश चौहान तथा अनिल चौहान को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 4 मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। शातिर वाहन चोर आकाश निसार, सुरेश यादव व शैलेंद्र यादव को जगह थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 6 मोटरसाइकिल किया बरामद। एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने किया खुलासा। गोरखपुर सहित प्रदेश के 23 बस स्टैंड को प्रदेश सरकार एयरपोर्ट की तर्ज पर करने जा रही है विकसित। बस स्टैंड पर शॉपिंग मॉल, होटल, खाने पीने की रहेगी सभी व्यवस्था। प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने दी जानकारी। वाणिज्य कर विभाग द्वारा छापेमारी को लेकर महानगर के बाजारों में अफरा तफरी के माहौल के बीच व्यापारियों के एक गुट ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सीएम योगी ने किया आश्वस्त, निश्चिंत होकर दुकान खोलकर करे व्यापार, किसी भी व्यापारी के साथ नहीं होगा कोई भी अन्याय। और 5 दिवसीय 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय क्रीडा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने किया शुभारंभ। कहा खेल हमारे राष्ट्रीय एकता का है प्रतीक। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत ही है जरूरी। इससे होता है मानसिक एवं शारीरिक विकास। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।